पर यहाँ से आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों ही साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 3 इंच का स्पीकर लगा सकते थे, अब लगभग 4 से 5 इंच तक का इसमें स्पीकर वगैरह लगा सकते हैं यहाँ। तो सर जो ये बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड है सर, इसकी 2023 में कीमत कितनी होने वाली है अभी? तो इसकी कम से कम डाउन पेमेंट हमें बताइए। 50,000 रुपया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड के बारे में, जो कि BS6 फेज 2 OBD2 वाला लॉन्च हुआ है, जिसे हम और आप BS7 के नाम से जानते हैं और BS7 कहते हैं। तो इसी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं इस ऑटो की प्राइस, माइलेज, कीमत और तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं आपको। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। और ये बता दें कि ये जो ऑटो है अभी तक का सबसे बड़ा ऑटो है, तो इसी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रंट लुक की। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पे लुक्स जो है निकल के आती हैं, काफ़ी शानदार इसका लुक है। और इस ऑटो को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी शानदार है, और इसका जो वाइजर है ब्लैक कलर का काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सामने की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बड़ा सा विंडशील्ड, और इसके साथ आपको एक वाइपर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे आप इसे आराम से क्लीन कर सकते हैं। दोनों साइड आपको मिल जाता है ORVM, देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक यहाँ पर मिल जाता है। सामने तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने का क्लिप, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और नीचे तरफ मिल जाता है दोनों ही साइड आपको हाइलोजन हेडलैम्प में देखने को यहाँ पे मिलता है। सामने तरफ सेंटर में यहाँ पे मिल जाता है बजाज मैक्सिमा का ब्रांडिंग, जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस ऑटो का हॉर्न। और सामने तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेटल का मडगार्ड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यहाँ पे मजबूत और सॉलिड मडगार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस ऑटो में अगर बात करें बजाज मैक्सिमा जो एक्स वाइड पहले आता था, उसमें टायर मिलता था आपको 4/50/10, जो कि काफ़ी मतलब जैसे फूलने का और लोडिंग पे काफ़ी ख़राब हो जाते थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो टायर है इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है अब यहाँ पे 130/80R12 यानी 12 इंच का टायर मिलता है, जो कि रेडियल टायर है, और ये टायर आपको MRF कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों ही साइड आपको देख सकते हैं इसमें 2 शॉक ऑब्जर्वर मिलता है, देखिए हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर दोनों ही साइड इसमें मिलता है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि तीनों चक्कों में एक साथ आप यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पे फ्रंट लुक देखने को मिलता है। उसी साथ अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका साइड प्रोफाइल देखने को यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी देखने में काफ़ी ह्यूज और काफ़ी बड़ी साइज़ का है, यहाँ पर देखने में काफ़ी बड़ा ये ऑटो देखने में हमको लगता है। तो इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है बजाज का ब्रांडिंग, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे आपको गेट मिल जाता है। उसी तरह देख सकते हैं पीछे तरफ भी आपको 130/80R12 का टायर मिलता है, जो कि MRF कंपनी तरफ से आता है, और टायर के साथ इसका जो रिम है इसको भी चेंज कर दिया गया है, पहले से इसको भी बड़ा कर दिया गया है। और ये देखिए 3 बोल्ट के साथ अब यहाँ आता था, पहले 4 बोल्ट के साथ आता था, अब ये 3 बोल्ट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है मडगार्ड, देख सकते हैं यहाँ पे फेंडर जो है फाइबर का मिलता है। यहाँ पे इसका जो बैटरी है देख सकते हैं 12 वोल्ट का यानी 32 एम्पीयर का यहाँ पे बैटरी मिलता है, जो कि एक्साइड कंपनी तरफ से आता है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल का, तो देख सकते हैं बैक प्रोफाइल कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर का बजाज मैक्सिमा का यहाँ पे ब्रांडिंग मिलता है, यहाँ पे एक्स वाइड लिखा मिल जाता है आपको, और इस साइड में आपको CNG का ब्रांडिंग मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि ये ऑटो CNG वेरियंट है। उसके साथ नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है नंबर प्लेट लगाने का क्लिप, जिसे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिल जाते हैं, ब्रेक लैंप मिल जाते हैं, और यहाँ पे एक इंजन के सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे जाली वगैरह दिया गया है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लुक निकल के आते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपको E20 यहाँ पे यानी कि एथेनॉल वाला इसमें आप पेट्रोल डाल सकते हैं, जिसकी पेट्रोल टैंक की बात करते हैं यहाँ पे आपको 2.5 लीटर तक का पेट्रोल टैंक इसमें देखने को मिल जाता है, जिससे आप अगर चाहें पेट्रोल की अगर माइलेज बताएं तो आप लगभग इससे 20 से 25 किलोमीटर तक के रेंज इस पर आपको पेट्रोल पे मिल जाएगी। और अब आइए बात करते हैं इसके ड्राइवर केबिन की, तो ड्राइवर केबिन की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबल ड्राइवर का सीट दिया गया है, और यहाँ पर भी बैकलेट जो है काफ़ी कम्फर्टेबल है, जो बजाज में सीट मिलता है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इसमें कुशन यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर सीट वगैरह आपको अगर चाहें तो आफ्टर मार्केट यहाँ पर बनवा सकते हैं इसको सीट को। और इस साइड में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा यहाँ पे डैशबोर्ड कर दिया गया है, और जो डैशबोर्ड है तीनों ही गाड़ी में इनका जो तीनों ऑटो आता है उनमें चेंज हुआ है, जैसे कि छोटी वाले जो बजाज आरी कॉम्पैक्ट आता है
मिलता है उसमें भी यही डैशबोर्ड मिलता है, बजाज मैक्सिमा जेड में भी यही, और बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड में भी यही आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है मोबाइल होल्डर वगैरह, देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने मोबाइल को यहाँ पे फंसा सकते हैं कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पे आपको मिल जाता है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्पीडोमीटर वगैरह मिल जाता है। और अगर बात करें इसकी चाबी की, यहाँ पे हमें दो चाबियाँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जो कि बजाज की ब्रांडिंग के साथ आता है। चाबी को भी चेंज किया गया है पहले से, काफ़ी अच्छा यूनिक मतलब चाबी यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ से आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीएनजी का जो आपका कैपेसिटी वगैरह है यहाँ से आप देख सकते हैं, इंजन चेक लाइट वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है, पेट्रोल का सिग्नल यहाँ से मिल जाता है, आप इतने मतलब इस ऑटो को कितना किलोमीटर चलाएं यहाँ पे आपको मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ से आप अपने ट्रिप वगैरह को देख सकते हैं। तो किसी इस प्रकार का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है दोनों ही साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 3 इंच का स्पीकर लगा सकते थे, अब लगभग 4 से 5 इंच तक का इसमें स्पीकर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है एक छोटा सा बोतल होल्डर जिसमें आप अपने बोतल वगैरह को पानी को रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है छोटा सा ग्लोव बॉक्स, जो पहले से ग्लोव बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाता है। हैंडल के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट आपको पहले से क्लच मिलता है, क्लच के ऊपर आप ग्रिप भी यहाँ मिलता है जो कि ग्रीस वगैरह या तेल वगैरह हाथ में लगने से आपको बचाता है। यहाँ पे वही आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है, जो गियर वगैरह मिलता है, एक आगे 3 पीछे, यहाँ पे 4 गियर आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको मिलता है एक्सेलेरेटर, और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, यहाँ पे आपको वाइपर का स्विच मिल जाता है, और कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक जो कि स्टील की तरफ स्टील का मतलब जो फिनिश में आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बैक गियर देखने को मिल जाता है, यहाँ से अपने गाड़ी को बैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंगल पैडल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, और इस प्रकार का यहाँ पे तमाम सारी सुख सुविधा दिया गया है। यहाँ से आप अपने सीएनजी टू पेट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हाइजर्ड लाइट को जला सकते हैं, और ये जो स्विच है यहाँ पे आपको दिया गया है म्यूजिक प्लेयर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार का आपको तमाम सारी यहाँ पे सुख सुविधा देखने को मिल जाती है। ऊपर के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक केबिन लाइट जो कि काफ़ी अच्छा है, रात के समय काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको काम करके देता है। तो अब आइए अब इसकी इंजन की हम आपको साउंड सुना के दिखलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको इंजन का साउंड देखने को मिल जाता है। पीछे तरफ आइए आपको दिखलाते हैं इसका इंजन और बताते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इंजन जो मिल जाता है 236 सीसी का BS6 सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि BS6 फेज 2 वाला है जिसे हम और आप BS7 के नाम से जानते हैं। इंजन की अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 7.10 किलोवाट का पावर मिल जाता है, जो कि 4750 RPM पे आता है। और इंजन की टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 16.20 NM का टॉर्क मिलता है 3500 RPM पे। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं इंजन की साउंड सुन सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको इंजन की साउंड यहाँ पे सुनने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा पहले से इंप्रूव कर दिया गया है। इंजन में अगर चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल प्लग कर दिया गया है, इंजन में सिंगल प्लग मिल जाता है, और साइलेंसर वगैरह को चेंज किया गया है जो कि छोटी वाली, और बजाज मैक्सिमा जेड में जो इंजन दिया गया है वही सेम इंजन यहाँ पे भी यूज किया गया है। और अब बात करते हैं इस ऑटो की लेंथ की, तो यहाँ पे आपको 3073 mm का लेंथ मिल जाता है। और गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1490 mm का चौड़ाई मिल जाता है। गाड़ी की अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे गाड़ी का हाइट 1855 mm का हाइट मिल जाता है। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2025 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे व्हील बेस मिलता है, काफ़ी बड़ा ये ऑटो है। और इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और ऑटो की अगर GBW यानी कि ग्रॉस वेट की बात करें, पूरी इस ऑटो की पूरी अगर वजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 955 kg का पूरा वजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इसमें CNG कैपेसिटी की तो यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पे आपको 2 CNG टैंक मिल जाते हैं जिसमें आप 12 kg तक का CNG यहाँ पे अपने फिल करा सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने CNG का जो कैपेसिटी वगैरह है यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपने खोल के इसको फिल करा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का तमाम सारी सुख सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। इसे आप बंद कर लेते हैं और बात करते हैं इसके पीछे की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4 लोग को आराम से यहाँ पे 4 पैसेंजर को आराम से आप बैठा सकते हैं। और यहाँ पे भी आप चाहें तो सीट बनवा सकते हैं और आराम से यहाँ पे बच्चों को भी बैठा सकते हैं। पीछे तरफ भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है जिसमें आप चाहें तो सीट बढ़ा सकते हैं या अपने सामान वगैरह को चाहें पैसेंजर के सामान वगैरह रखना है तो आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब आइए इस ऑटो की जो बात है, जो सेल्समैन है यहाँ के, उनसे बात करते हैं और इस ऑटो की प्राइस माइलेज कीमत क्या है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं पुनीत जी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। तो सर जो ये बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड है सर, इसकी 2023 में कीमत कितनी होने वाली है? अभी 3,54,000 की गाड़ी है। 3,54,000 की ऑन रोड प्राइस है? जी, ऑन रोड प्राइस। ओके सर, तो सर इसको फाइनेंस अगर कराना चाहें तो इसकी कम से कम डाउन पेमेंट हमें बताइए। 50,000 रुपया। 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करेंगे, आराम से ये फाइनेंस हो सकती है। ओके, तो सर आपके पास कौन कौन से बैंक का अभी सुविधा ऑप्शन है बताइए जरा हमें। बजाज का है, महिंद्रा का है, इंडसइंड बैंक का है,
ओके, तो बजाज मैक्सिमा और इंडसइंड जो बैंक है, यानी कि तीन बैंक का आपके पास ऑप्शन अभी है अवेलेबल। ओके, तो सर इसकी अगर जो मतलब कि गारंटी वारंटी कुछ बताइए इसकी। 1,00,000 किलोमीटर इंजन की वारंटी है। ओके, और सर्विस वगैरह बताइए सर। तीन सर्विस गाड़ी की बिल्कुल फ्री है। तीन सर्विस जो है गाड़ी की बिल्कुल फ्री है, 1500, 5000 और 10000 तक। ओके, 1500 पे, 5000 पे और 10000 पे तीन सर्विस कराना है और फ्री सर्विस है, लेबर चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा सर। कुछ नहीं लगेगा। ओके, तो सर इसकी जो इंश्योरेंस वगैरह सब उसी में इंक्लूड है सर, सारा कुछ, सब पेपर अनरोल कम्प्लीट। तो काफी अच्छी बात है। और सर इस जो ऑटो है अभी इसकी माइलेज अभी क्या निकल के आ रही है अभी 2035 देने वाली माइलेज है, 35 रोड पे मिलेगा आपको। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 35 तक का माइलेज आपको सीएनजी पे देखने को मिल जाएगी और पेट्रोल पे लगभग 20 से 25 मिल जाएगी। 20 का। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेट्रोल पे 20 का और सीएनजी पे 35 तक का माइलेज इस ऑटो में देखने को मिल जाएगी। और एक बार फिर से इसका ऑन रोड जो प्राइस है सर जरा हमें बता दीजिए। 3,54,000 पे यहाँ पे ऑन रोड आपका कैश पेमेंट में आपको ये फाइनेंस जो है फाइनेंस आपका 50,000 में फाइनेंस हो सकता है। तो चाहते हैं आप ये बजाज मैक्सिमा एक्स वाइट खरीदना और इस वीडियो को आप देख रहे हैं अकबरपुर अंबेडकर नगर जिले से, तो यहाँ पे आप अपने संपर्क कर सकते हैं साई ऑटो बजाज, इनका जो नंबर है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।